हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसीब अहमद और अपने इस चैनल पे आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की फ़ोटोशॉप ट्रेंडिंग की वीडियो में हम जो है क्रॉप टूल के एडिशनल टूल जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्रॉप टूल के एडिशनल टूल को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। पर्सपेक्टिव टूल, स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल को हम परफॉर्म करके देखेंगे, अपनी इमेजेस के ऊपर परफॉर्म करके देखेंगे। पर्सपेक्टिव टूल क्या करता है? पर्सपेक्टिव टूल जो है आपकी किसी भी इमेज को सीधा करके आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। अगर आपकी कोई भी इमेज ऐसी है जो कि रुटेड है या आपकी ऐसी कोई इमेज है जो कि आपको स्ट्रेट नज़र नहीं आ रही, तो वो पर्सपेक्टिव टूल से सिलेक्शन में लेंगे तो वो आपको सीधा करके दिखा देगा। और इसी तरह स्लाइस टूल जो है वो आपकी इमेज को स्लाइस में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपकी एक इमेज है और आप उसको तीन चार जो है स्टेप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो स्लाइस टूल आपकी इमेज को जो है स्लाइस में कन्वर्ट कर देगा और आपको उसको सेव कर देगा। इसी तरह सिलेक्ट स्लाइस टूल भी यही काम करता है। तो हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे अपनी स्क्रीन। वेलकम बैक। यहाँ पे जो है हम स्क्रीन पे आ गए और यहाँ पे जो क्रॉप टूल के जो नेक्स्ट टूल है वो है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव क्या करता है? इसकी शॉर्ट कमांड जो है सी है। पर्सपेक्टिव क्या करता है? आपकी कोई भी स्क्रीन पे आप जो सिलेक्शन करते हैं उसको सीधा करके दिखा देता है। अगर आपकी कोई इमेज के अंदर जो है कोई इमेज आपकी टेढ़ी है या आप उसको सीधा करके देखना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारी लैपटॉप की स्क्रीन है, इस लैपटॉप स्क्रीन को हम सामने की तरफ लाके देखना चाहते हैं, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसके फर्स्ट डॉट लगाएंगे, उसके बाद सेकंड डॉट लगाएंगे, यहाँ पे थर्ड लगाएंगे और यहाँ पे फोर्थ लगाएंगे। फोर्थ हम जैसी लगाएंगे तो उसने इसको जो है सिलेक्ट कर लिया, बाकी इस बाकी इमेज को हल्का सा मामले से ब्लैंक ब्लर कर दिया। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक ओके करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे या यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो उस वो करेगा क्या, जो हमारी स्क्रीन थी जो हमने सिलेक्शन करी थी उसको हमें इस तरह सीधा करके दिखा देगा। इसको हम फिलहाल अंडू करेंगे और दोबारा से सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे हमने सिलेक्शन करी इस तरह, हम अच्छा फोर चार डॉट लगाने होंगे तो वो हमारी सिलेक्शन हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम विद एंड हाइट की बात करें तो हम जितना इसको विद एंड हाइट देंगे ये उतना दिखाएगी। अगर हम यहाँ पे ज़ीरो कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ज़ीरो कर देंगे या इसको क्लियर भी कर सकते हैं यहाँ से, तो अब जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमें उतना ही दिखाएगा स्क्रीन। लेकिन अगर हम इसको जो है सिलेक्शन करके, अगर हम सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे इसकी विड्थ और हाइट देंगे, तो जितनी आप विड्थ देंगे हाइट देंगे ये उतनी ही आपको जो है वो रेजोल्यूशन तीनों चीज़ें ये आपको उतनी ही बताएगा जितनी आप इसको कमांड में आप जिसको कमांड देंगे, अदरवाइज ये नहीं बताएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है पिक्सल एंड इंच है, ये पिक्सल इंच है और पिक्सल एंड सीएम, तो हम पिक्सल एंड इंच में करेंगे। अच्छा, यहाँ पे इसने क्या किया है, फ्रंट इमेज पे हमने जैसे क्लिक किया तो इसने फ्रंट इमेज की जो है विद एंड हाइट हमें बता दी। सही है, अब हम यहाँ पे क्लिक कर ओके करेंगे तो वो हमें जो उस फ्रंट इमेज की जो हमारी पिक्सल की है, जैसे 408 और विद हाइट है और 612 जो है विद है, उसने हमें उस इमेज को जितनी हमारी फ्रंट इमेज थी उस इमेज को इसके ऊपर कन्वर्ट कर दिया। जो हमारी सिलेक्शन थी उसको इसने कन्वर्ट कर दिया। ये जो है ये वाला टूल जो है ये इस तरह काम करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टूल जो है वो स्लाइस टूल है। स्लाइस टूल है और एंड स्लाइस सिलेक्ट टूल है, ये दो टूल जो हैं सेम हैं। अच्छा, ये हम स्लाइस टूल को सिलेक्ट करते हैं। हम जैसे स्लाइस टूल को सिलेक्ट करेंगे, स्लाइस टूल करता क्या है, आपकी इमेज को स्लाइस में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग किया, अच्छा अभी फिक्स साइज हुआ हुआ है। अभी पहले हम यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे, स्टाइल में
यहाँ पे स्टाइल में तीन ऑप्शन है, एक नॉर्मल है, एक फिक्स है, एक फिक्स साइज है। अच्छा पहले हम नॉर्मल को देखते हैं, उसको पहले हमें अंडू करेंगे। अच्छा यहाँ पे नॉर्मल आ गया, और यहाँ पे हम नॉर्मल में अपनी मर्जी से स्लाइस बना सकते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक एंड ड्रैग किया तो ये स्लाइस बन गया। अच्छा ये स्लाइस हुआ क्या है, ये वाली जो तीस तीन नंबर की स्लाइस है ये आपने ड्रैग करी, जो ये हमने ड्रैग करी। अच्छा इसने किया क्या है, इसको आपकी इमेज को स्लाइस के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, आपकी इमेज को पांच स्लाइसों में कन्वर्ट कर दिया। ये स्लाइस और भी बन सकती हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा फर्स्ट पे 01, ये पहली स्लाइस है, यहाँ से लेके यहाँ तक की इसने पहली स्लाइस ड्रैग करी, और दूसरी यहाँ से लेके यहाँ तक की कर दी, और तीसरी स्लाइस वो है जो आपने ड्रैग करी है, जो हिस्सा आपने सिलेक्ट किया है वो तीसरी स्लाइस है, चौथी स्लाइस ये है, और पांचवी ये है। इस जो आपने सिलेक्शन करी है उसके अराउंड अबाउट इसने चार स्लाइस और बना दी, उसको स्लाइस को कन्वर्ट कर दिया। अब इसका सिंपली फार्मूला ये है, पहले तो हम स्टाइल को देखते हैं, अगर स्टाइल में हम जाते हैं तो दो ऑप्शन और हैं, यहाँ पर रेशो है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है 45 पिक विद रख देता हूँ पिक्सल, वो पिक्सल में ही होगी ये, और 55 रख देता हूँ पिक्सल में। अच्छा अब जो है मैं यहाँ पे स्लाइस बनाता हूँ, तो वो पहले तो हमें ये स्लाइस जो बनी हुई है इसको ख़त्म करना होगा। अब जो है यहाँ पे हम स्लाइस बनाएंगे तो वो 45 और हाइट जो है वो 55 में उसके रेशो से बनाएंगे, तो यहाँ पे वो उस तरह स्लाइस बना लेगा, और बाकी जो है वो अपने जो जगह बचेगी वो उसको स्लाइस में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा स्लाइस को डिलीट करने का जो तरीका है वो डिलीट, खाली डिलीट दबाएंगे तो वो स्लाइस हमारी जो बनी होगी वो डिलीट हो जाएगी। इसी तरह हम जो है फिक्स की बात करें, फिक्स में क्या है, फिक्स हमने एक टूल में पहले भी पढ़ा था रेड एंगल में, फिक्स क्या है, फिक्स में आप जो है विद एंड हाइट बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 66 बनाई विद, और हाइट जो हमने बना दी वो 76 बना दी पिक्सल। अब यहाँ पे जैसे हम एक क्लिक करेंगे तो वो विद रख देगा इसकी 66 पिक्सल, और हाइट रख देगा इसकी 76 पिक्सल, जो हम कमांड देंगे, जो हम पिक्सल सेट करेंगे वो उसको यहाँ पे एडजस्ट कर देगा, और बाकी हिस्से को स्लाइस में कन्वर्ट कर देगा। ये जो था स्लाइस बनाने का तरीका था, इसको हम डिलीट से डिलीट करेंगे। अच्छा स्लाइस टूल के बाद जो है नेक्स्ट है स्लाइस सिलेक्ट टूल, ये भी सेम उसी तरह काम करता है, थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे इमेज पे जो है लाके हमने कहीं पे भी क्लिक किया, जैसे हम क्लिक करेंगे तो ऊपर दो ऑप्शन जो है हमारे खुल जाएंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे और दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक जैसे ही हम करेंगे तो हमारे पास एक न्यू विंडो आ जाएगी। पहले हमने जो स्लाइस बनाई थी ये वो बनी हुई है, पहले मैंने एक इमेज के ऊपर बनाई थी तो ये वो बनी हुई है। हम यहाँ पे जो है चेक हटा देंगे इसका, और इसका चेक हटा देंगे तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। यहाँ पे हम जितनी इसको कमांड देंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 6 स्लाइस दे दी, इसको 6 स्लाइस दे दी। अच्छा अब इसने क्या किया, हॉरिजॉन्टल में 6 स्लाइस बना दी, आपको 6 स्लाइस दिख रही होंगी, 6 लाइनें इसने बना दी। इसी तरह वर्टिकल है, ये वर्टिकल विद होता है, विद में हमने 10 स्लाइस बना दी तो इसने 10 स्लाइस बना दी, 10 खाने बना दी। अच्छा इसने और मज़ीद क्या काम किया है, यहाँ पर हमने 6 स्लाइस बनाई तो यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा, इसको हम पहले हटाते हैं चेक को, एक को करते हैं हॉरिजॉन्टल पर, आपको यहाँ पे 83 पिक्सल दिख रहा होगा। अच्छा ये क्या है, पिक्सल पर स्लाइस, पिक्सल पर स्लाइस है। यहाँ पे इसने क्या किया है, 6 स्लाइस डिवाइड किया है अपनी इमेज को, और एक एक स्लाइस जो है वो 83 पिक्सल पे वो डिपेंड कर रही है, 83 पिक्सल जो है उसमें 83 पिक्सल हैं एक स्लाइस में। इसी तरह हम यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पे इस वक्त 700 पिक्सल की जो है आपकी इमेज है, पूरी इमेज यहाँ से लेके यहाँ विद जो है उसकी 700 पिक्सल है। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे, आठ जो है स्लाइस बनाएंगे, 8 स्लाइस बनाएंगे, तो वो उसको 700 को 8 से डिवाइड कर देगा, तो एक
जो आपका खाना होगा उसमें 87 पिक्सल आएंगे, ये 87 पिक्सल आएंगे। इस तरह आपके जो है वो इमेज वो डिवाइड कर देगा और 48 खाने जो हैं आपके बन जाएंगे, 48 स्लाइस बन जाएंगे। इसको हम चेंज करेंगे, इसको भी हम चेंज करेंगे, हम 6 से 3 करेंगे और इसको 8 से 5 करेंगे ताकि हमें समझ में आए। अब इसने किया क्या है, जब हमने 3 गए तो 166 जो है पिक्सल एक स्लाइस में है और इसी तरह नीचे जो है 140 पिक्सल जो है वो एक स्लाइस में है। अब इसको हम ओके कर देंगे तो ये हमारा इस तरह इमेज स्लाइस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमें इसको सेव करना होगा। इसको सेव करने का तरीका ये है, जो हम उस इमेज को सेव करते थे वो तो हम कंट्रोल एस दबा के सेव कर लेते थे, यहाँ पे हम फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट आ रहा होगा, एक्सपोर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ रहा होगा सेव फॉर वेब। अच्छा, इसकी शॉर्ट कमांड जो है वो आर्ट शिफ्ट कंट्रोल एस है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये चंद सेकंड लेगा, आपकी एक विंडो खुलेगी, इस विंडो में हम जाएंगे तो यहाँ पे सेव का बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू विंडो खुल जाएगी हमारे, वो हमसे कमांड मांगेगा कि आपने कहाँ पे इसको सेव करना है, आपने इसको कहाँ सेव करना है। फिलहाल हम डेस्कटॉप पे करते हैं, डेस्कटॉप पे हमारे ये फोल्डर बने हुए हैं, हमें अगर इनमें से किसी फोल्डर में सेव करना है तो हम वो कर दें। तो यहाँ पे हम नेम दे देंगे, इमेज ओनली वो पूछ रहा है आपसे, इमेज ओनली करना है या आपको इसके अलावा HTML और उसमें करना है, हम फिलहाल इमेज ओनली में करेंगे। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग, डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग उसकी ऑटोमेटिकली जो सेटिंग्स हैं वो हैं, यहाँ पे आप बैकग्राउंड इमेज कर सकते हैं, यहाँ पे हम कस्टम कर सकते हैं, यहाँ पे HTML कर सकते हैं और इसके अलावा जो जो आपको करनी है वो कर सकते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग में हम क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब वो पूछ रहा है आपको ऑल स्लाइस करनी है या ऑल यूज़र स्लाइस करनी है, मकसद आपके ने कोई यूज़ करिए स्लाइस वो करनी है या सिलेक्ट स्लाइस करनी है। हम ऑल स्लाइस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो स्लाइस है वो सेव हो जाएगी, वो जो इमेज हमारी है वो स्लाइस की शक्ल में सेव हो जाएगी। हम चेक करते हैं यहाँ पर जो है इमेज। अच्छा, ये सेव कहाँ पे करेगा, आपके डेस्कटॉप पे या इसके अलावा कहीं पे भी इमेज का फोल्डर अगर होगा तो उसमें सेव करेगा। अगर इमेज का फोल्डर, जैसे मेरा इमेज का बना हुआ था, इमेज का फोल्डर नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली एक इमेज का फोल्डर बनाएगा, जिस फोल्डर में भी आप सेव करेंगे उसको वो उस फोल्डर में एक इमेज का फोल्डर बना देगा और उसमें सेव कर देगा। यहाँ पर मेरा इमेज का फोल्डर बना हुआ था तो पहले उसने जो है सेव किया था वो स्लाइस यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, स्लाइस 1, और यहाँ से जो है उसने फ़ोटो नाम दिया था हमने, फ़ोटो 1, फ़ोटो 2, फ़ोटो 3, इस तरह करके उसने स्लाइस को सेव कर दिया। ये वाली हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारी 15 की 15 स्लाइस मौजूद हैं, यहाँ पे हमारी 15 की 15 स्लाइस मौजूद हैं, यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, 5 है, 6, 7 और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे तो वो एक एक हिस्सा जो हमारी स्लाइस सेफ हुई हुई है वो हमें बता रहा है, ये स्लाइस सारी बता रहा है। ये स्लाइस का काम ये होता है, स्लाइस का काम इस तरह स्लाइस को यूज़ किया जाता है। क्रॉप टूल के चार ऑप्शन, चार जो हैं टूल्स हैं क्रॉप टूल में, एक क्रॉप टूल है जो हमने पहले वीडियो में देखा था, उसके बाद 3 ऑप्शन जो हैं वो हमने इस वीडियो में देखे। ये थी हमारी फोटोशॉप ट्रेनिंग के 6 वीडियो, जिसमें हमने पर्सपेक्टिव टूल के बारे में सीखा, स्लाइस टूल के बारे में सीखा, स्लाइस टूल क्या करता है और पर्सपेक्टिव टूल क्या करता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ। अगर इन वीडियो के हवाले से आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।